का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सिमरन मिश्रा। खबर पर नजर डालने से पहले एक नजर इस वक्त की बड़ी खबर पर डाल लेंगे। इस वक्त की बड़ी खबर भोपाल से आ रही है। विधानसभा चुनाव की तैयारी में जुटी बीजेपी। बड़ी खबर आपको बता दें भोपाल से, विधानसभा चुनाव की तैयारी में जुटी बीजेपी। चित्रकूट में आज से शुरू होगी जन आशीर्वाद यात्रा। इस वक्त की बड़ी खबर भोपाल से, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा दिखाएंगे हरी झंडी। आपको बता दें विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी बीजेपी। सीएम शिवराज समेत कई दिग्गज नेता रहेंगे मौजूद। बीजेपी प्रदेश में निकालेगी 5 जन आशीर्वाद यात्राएं। पार्टी के वरिष्ठ नेता होंगे शामिल। इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता गब्बर सिंह ठाकुर जुड़ चुके हैं। गब्बर जी, विधानसभा चुनाव की तैयारी में बीजेपी जुटी हुई है, चित्रकूट में आज से प्रारंभ होगी जन आशीर्वाद यात्रा, इसको लेकर क्या कुछ जानकारी सामने आ रही है? बिल्कुल, देखिए सिमरन जी, मध्य प्रदेश में कहा जाए कि बीजेपी पूरी तरह से अपनी चुनाव की जो तैयारियां हैं उसमें जुट चुकी है, एड़ी चोटी का जोर लगा रही है। और आपको बता दें कि जहां बीजेपी अपनी चुनाव की तैयारियों में जुटी हुई है, तो वहीं दूसरी तरफ जन आशीर्वाद यात्रा निकाली जा रही है। जन आशीर्वाद यात्रा के तहत बीजेपी के कार्यकर्ता, बीजेपी के विधायक या मंत्री या जो बड़े पदाधिकारी हैं, वो जन जन तक पहुंचने की कवायद कर रहे हैं। यानी एक एक मतदाता तक पहुंचने की उनकी कोशिश है कि हर एक मतदाता तक हम इस जन आशीर्वाद यात्रा के माध्यम से पहुंचे। आज बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा खजुराहो पहुंचेंगे। खजुराहो पर कहा जाए कि उनका स्वागत किया जाएगा। सीएम शिवराज और बीडी शर्मा, तमाम प्रकार के और भी नेता रहेंगे जो कि इनका स्वागत करेंगे। और उसके बाद में जेपी नड्डा कहा जाए कि भगवान कामतानाथ के दर्शन करेंगे, पूजा अर्चना करेंगे। और उसके बाद में फिर वह चित्रकूट से जो मझगवा है वहां से हरी झंडी दिखाएंगे जन आशीर्वाद यात्रा के वाहनों को। जो जन आशीर्वाद यात्रा के जो वाहन है, रथ है, उनके लिए एक दिन पहले यानी कल बीजेपी कार्यालय में सीएम शिवराज, नरेंद्र सिंह तोमर और बड़े तमाम प्रकार के बड़े नेता थे, इन लोगों ने वहां से जन आशीर्वाद यात्रा के लिए जो रथ है उन्हें रवाना किया था, हरी झंडी दिखाई थी। लेकिन अब आज जो जेपी नड्डा है वो इस कार्यक्रम में आ रहे हैं। प्रदेश स्तर का कार्यक्रम है जन आशीर्वाद यात्रा को लेकर के, और यहाँ पर जेपी नड्डा हरी झंडी दिखाएंगे और वही रथ से गांव गांव तक जाएंगे, एक एक मतदाता तक पहुंचने की कोशिश करेंगे और अपने विकास कार्य जो है 18 साल के उनके बारे में जनता को बताएंगे। और उन्हें अगर कोई लाभ नहीं मिल रहा है सरकार की योजना का, तो लाभ दिलाने की कोशिश करेंगे। जी जी गब्बर, बने रहिए हमारे साथ। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें भोपाल से, विधानसभा चुनाव की तैयारियों में बीजेपी जुट चुकी है, चित्रकूट में आज से जन आशीर्वाद यात्रा की शुरुआत करने वाली है।